अजय मिश्रा टेनी के साथ कोई भी साजिश करने की कोशिश की एजेंसियों ने, सरकारी एजेंसियों ने, सरकारों ने, तो किसी कीमत पर भी देश का ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं करेगा। सभा में खड़कर जया बच्चन बोल रही है कि मैं शराब देती हूँ, आप कौन सी देवी हैं? ये बात करते हैं। अब आपके खिलाफ, जया बच्चन जी, आपके खिलाफ ईडी ने जांच की, आप बताइए कब मॉरल ग्राउंड के ऊपर राज्यसभा छोड़ रही है आप? ओवैसी को मैं बताना चाहता हूँ कि ओवैसी अपने औकात में रहे, नहीं तो ब्राह्मण महापंचायत ओवैसी का ऐसा इलाज उत्तर प्रदेश में नहीं, उसके घर आकर हैदराबाद में करेगी। ओवैसी अपने औकात में रहे। अजय मिश्रा टेनी हमारा सिर का ताज है, ब्राह्मण महापंचायत का ताज है, ब्राह्मणों का ताज है। देखिए, पहले दिन से ब्राह्मण महापंचायत का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे देश के ब्राह्मणों को एक बात समझ आ चुकी है, लखीमपुर खीरी के अंदर अजय मिश्रा टेनी व उनके परिवार को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पूरे देश का ब्राह्मण आज अजय मिश्रा टेनी के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। अगर अजय मिश्रा टेनी के साथ कोई भी साजिश करने की कोशिश की एजेंसियों ने, सरकारी एजेंसियों ने, सरकारों ने, तो किसी कीमत पर भी देश का ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं करेगा। और ब्राह्मण महापंचायत सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार बैठी है। मैं पहले भी लखीमपुर खीरी गया, फिर लखीमपुर खीरी जाऊंगा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर ब्राह्मणों को जगाऊंगा कि अजय मिश्रा जो इस वक्त ब्राह्मण समाज का हिंदुस्तान में सिरमौर बन चुका है, एक ताकतवर ब्राह्मण समाज का लीडर बन चुका है, बड़े लंबे समय के बाद एक नेतृत्व मिला है अजय मिश्रा जैसा, हमने उनको मजबूत करना है, उनको उनके खिलाफ, अजय मिश्रा के खिलाफ साजिश रचने वालों को बेनकाब करना है। वहीं जय बच्चन जो है मॉरल ग्राउंड पर उनसे जो इस्तीफे की मांग कर रही है कि छज तो बोले छलनी भी बोले, किस बेस के ऊपर, किस कौन सी मॉरल ग्राउंड की बात करते हो? उनके खिलाफ जो है अब ईडी ने जांच शुरू की, तो राज्यसभा में खड़कर जय बच्चन बोल रही है कि मैं शराब देती हूं, आप कौन सी देवी हैं, आप किसी को मिलते तो है नहीं? जबकि अजय मिश्रा जैसे लोग नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर जो है सेवा कर रहे हैं राजनीति में, राजनीति उनके लिए इंडस्ट्री नहीं है, जय बच्चन के लिए राजनीति की इंडस्ट्री है, लोगों को मिलते तो है किसी को नहीं वो। ये बात करते हैं। अब आपके खिलाफ जय बच्चन जी, आपके खिलाफ ईडी ने जांच की, आप बताइए कब मॉरल ग्राउंड के ऊपर राज्यसभा छोड़ रही है आप बताइए? आप देश के जो ब्राह्मणों के सिरमौर है, अगर उनके खिलाफ आप एक शब्द भी निकालेंगे तो बम्बई आकर आपका विरोध किया जाएगा, बम्बई आपका घेराव किया जाएगा। अगर राज्यसभा के बाहर आप ब्राह्मण महापंचायत आपका विरोध करेगी। रही बात ओवैसी की, ओवैसी जो पैदा ही हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए हुआ है, वो क्या बोलेगा अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ? उसकी औकात क्या है वो अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ बोलेगा? उसकी औकात क्या है वो जाकर, अगर उसने हमेशा, अभी उसने चार दिन पहले बयान दिया है कि मोदी और योगी के जाने के बाद फिर क्या होगा, जो पुलिस को उन्होंने धमकाया, तो क्या क्या जिताना चाहता है हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ओवैसी के साथ चलता है, वो समझे कि ओवैसी क्या संदेश देना चाहता है। ओवैसी को मैं बताना चाहता हूं कि ओवैसी अपने औकात में रहे, नहीं तो ब्राह्मण महापंचायत ओवैसी का ऐसा इलाज उत्तर प्रदेश में नहीं, उसके घर आकर हैदराबाद में करेगी। ओवैसी अपने औकात में रहे। अजय मिश्रा टेनी हमारा सिर का ताज है, ब्राह्मण महापंचायत का ताज है, ब्राह्मणों का ताज है। करोड़ों देश में करोड़ों जो ब्राह्मण हैं, आज टेनी पर हमने जो है, टेनी जो है हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और मैं मोदी सरकार से, अमित शाह जी से मांग करता हूं कि टेनी के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको बेनकाब किया जाए, और उनको जो है, एक तो न्याय का सिद्धांत है, एक न्याय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि ट्रायल अभी पेंडिंग है सब ड्यूटी से, उससे पहले ही जो है उनको डिफेम कर दिया जाए। एबीपी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, एबीपी के पत्रकार के साथ कोई वहां पे लखीमपुर खीरी के अंदर कुछ जो है थोड़ी सी मनमुटाव हो गया, कोई सी नाराजगी होगी, एबीपी भी जो है चैनल वो इसको इशू बना रहा है, बाइस डो के इशू बना रहा है। नो, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर अगर ऐसी बात कहे, देश की मीडिया को सोचना पड़ेगा कि पर्टिकुलर एक आदमी के साथ दुश्मनी का भी है डेमोक्रेसी के अंदर इस। हाँ, आप अपनी बात लिखिए, मीडिया जो पत्रकारिता है वो ब्रिज है, लोकतंत्र में प्रेस समाज का आईना है, वो ब्रिज का काम करे, सरकार में, प्रशासन में, जनता में ब्रिज का काम करे। ये नहीं है कि आप लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्रा को डिफेम करना शुरू कर दें, ये बर्खास्त क्यों नहीं हुए, इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा। मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने 16 मेंबरों में ब्राह्मणों में एक, उनको भी, टेनी को भी मेंबर बनाया। हम ब्राह्मण महापंचायत के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं, नड्डा जी का आभार व्यक्त करते हैं, अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, और मैं टेनी को इस जो मेंबरशिप मेंबर बनाया है ब्राह्मणों में उत्तर प्रदेश में मुहिम चलाने के लिए, मैं उनको सम्मानित करूंगा, उनको जो है ब्राह्मण रत्न अवार्ड दूंगा। और अजय मिश्रा के कारण हम पूरे देश में जहां भी चुनाव है, चाहे पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में,
हम ब्राह्मणों को यूनाइट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे।